हाँ नमस्कार साथियों, ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन सवाल हर परीक्षा में बारंबार पूछता है इससे। अतः प्रधानमंत्री का कर्तव्य और राष्ट्रपति द्वारा सूचना प्राप्ति, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78, आर्टिकल 78 में ये व्यवस्था है। तो यहाँ से कई सवाल बनते हैं जो बारंबार रिपीट कर रहा है पेपर सेटर। विद्यार्थी जहाँ पढ़ना छोड़ता है, पेपर सेटर वहीं से सवाल पूछना शुरू कर देता है। इसलिए संभावित जितने भी टॉपिक हों जहाँ से सवाल बना रहा है, उन टॉपिक्स को हमें पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और एक विनम्र निवेदन आपसे कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें, लाइक और कमेंट करके बताएं। ठीक है, टॉपिक अपन शुरू करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का कर्तव्य। आर्टिकल 78 ये कहता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य अथवा कार्य, और ये किसके प्रति है? राष्ट्रपति के प्रति, या उल्टा हम इसको कहें कि राष्ट्रपति द्वारा सूचना प्राप्ति, राष्ट्रपति संघ के प्रशासन और विधान संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है। अतः अनुच्छेद 78 इसमें किसका उल्लेख हुआ है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य। ध्यान रखना, ये कैसे कर्तव्य हैं प्रधानमंत्री के? संवैधानिक, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 78 में है। अतः ये जो संवैधानिक कर्तव्य हैं प्रधानमंत्री के, ये क्या-क्या हैं? ये तीन कर्तव्य हैं। नंबर एक, प्रधानमंत्री विधान और प्रशासन, विधान और प्रशासन विषयक जानकारी, विषयक जानकारी, विषयक का मतलब संबंधित, रिलेटेड जानकारी, समय समय पर किसको दे? राष्ट्रपति को देता रहे। प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह संघ के विधान और प्रशासन विषयक जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को देता रहेगा। ये दोनों तरफ तीर का निशान का मतलब है, यदि प्रधानमंत्री कोई जानकारी ना दे और राष्ट्रपति को जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो तो राष्ट्रपति सूचना प्राप्त कर सकता है। और ये भी तय है कि कोई भी विधान जब तक काम नहीं करेगा, जब तक कि उस पर राष्ट्रपति साइन ना कर दे, कोई भी कानून बनेगा तो राष्ट्रपति के साइन से होगा। किसी भी प्रकार का कोई प्रशासनिक फेरबदल होगा तो वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से होगा। कोई भी नियुक्ति होगी, बर्खास्त की होगी, तो वो राष्ट्रपति करेंगे। अतः प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति, कि वो अपने संघ के विधान, किससे संबंधित है ये? यूनियन, संघ के विधान और प्रशासन विषयक जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को दे। और तीसरा जो संवैधानिक कर्तव्य है वो ये कि यदि किसी एक मंत्री ने, कोई मामला विचारित कर लिया है, कोई मामला विचारित कर लिया है, तो राष्ट्रपति से आग्रह करने पर,
वे इस मामले को मंत्रिपरिषद, कौन सी मंत्रिपरिषद? संघीय मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकेंगे। सकेंगे का मतलब है राष्ट्रपति रखवा भी दें और नहीं भी रखवाएं। तो तीन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी हैं प्राइम मिनिस्टर की राष्ट्रपति के प्रति, या यूं कहें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप सूचना प्राप्ति का अधिकार रखते हैं, संघ की सरकार से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, बारंबार इस आर्टिकल का सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य या कार्य कौन से अनुच्छेद में हैं, 78 में हैं। कौन कौन से हैं? प्रधानमंत्री अपने संघ के विधान संबंधी जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को देंगे, प्रधानमंत्री अपने संघ के प्रशासन विषयक जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को देंगे, और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति जब कोई मंत्री द्वारा विचारित मामला और मंत्री के द्वारा राष्ट्रपति से आग्रह किए जाने पर राष्ट्रपति उस मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा देंगे। ये तीन संवैधानिक कर्तव्य हैं। अब सवाल आपसे पूछता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य नहीं है? तीन ऑप्शन तो ये बना देगा, और चौथा ऑप्शन बना देता है कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं या कोई और, प्रधानमंत्री किसी और संस्था के जैसे पदेन अध्यक्ष होते हैं, या कोई और प्रावधान जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है वो जोड़ देगा। तो जो बना रहा है वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अब प्रत्येक बच्चा जानता है कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, पहले योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे, अतः बच्चा उसको तो छांटता ही नहीं है कि ये गलत है। पूछ क्या रहा है, अशुद्ध कथन कौन सा है, अतः ये पढ़े हुए होते नहीं हैं तो वो छटनी इनमें से करता है, जबकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी हैं आर्टिकल 78 में। नीति आयोग यहाँ अशुद्ध कथन हो जाएगा इसके संदर्भ में, कारण नीति आयोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसको आप गैर संवैधानिक और मैं संविधान नेत्र कहता हूँ। संविधान नेत्र का मतलब वो संस्था या वो व्यवस्था जो संविधान से इतर है, संविधान से बाहर है, क्योंकि नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसलिए उसने पूछा क्या है, संवैधानिक कर्तव्य। तो फोकस रखें आप कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ये हैं। तीसरा, यदि आपके समझ में नहीं आया तो मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। कोई संघीय मंत्री है और बारंबार वो प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं कि माननीय मेरे मंत्रालय से संबंधित ये मामला है और इसकी अनुमति दी जाए, प्रधानमंत्री की रुस के बनती नहीं है, तो रास्ता क्या है मंत्री के पास? दो रास्ते हैं, या तो आप अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दें, या फिर आप कहाँ चले जाएं, आप राष्ट्रपति से आग्रह कर लें। अतः कोई मंत्री इतनी रिस्क तो लेता ही नहीं है कि वो इस्तीफा दे दे, वो चला जाता है राष्ट्रपति के पास और मामला अधरजूल में है, प्रधानमंत्री के विरुद्ध वो जाने ही नहीं है। लेकिन कुछ कद्दावर नेता होते हैं जहाँ दोनों में बराबरी का मुकाबला होता है और वहाँ कोई अवॉइड करता है, तो वो मंत्री के प्रधानमंत्री के बीच विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। हालांकि प्रधानमंत्री से आप पंगा नहीं ले सकते, बिना प्रधानमंत्री की इच्छा के न तो आप मंत्री रह सकते हो न मंत्री बनाए जा सकते हो। इसलिए मंत्री चाहे तो इस्तीफा दे दे या राष्ट्रपति के पास चला जाए। तो विचारण कर लिया है, प्रधानमंत्री ध्यान नहीं दे रहे हैं तो राष्ट्रपति से कह देगा, एक तरह से ये शिकायत के रूप में है कि साहब हमारा ये मामला है और इसको आप मंत्री परिषद के समक्ष रखवा दीजिए। इससे आगे अब एक तरफ तो है हमारी संघीय मंत्री परिषद, और इसके दूसरे छोर पे कौन बैठा हुआ है? दूसरे छोर पे बैठा हुआ है राष्ट्रपति। इस मंत्री परिषद का चीफ प्रधानमंत्री है, इसलिए प्रधानमंत्री मंत्री परिषद में जो कोई निर्णय लेंगे राष्ट्रपति को अवगत करा देंगे, और यदि राष्ट्रपति को कुछ जानकारी चाहिए
तो प्रधानमंत्री से लेंगे, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लेके वापस राष्ट्रपति को बता देंगे। अतः अब सवाल पूछता है कि संघीय मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की योजक कड़ी कौन है? तो संघीय मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है, दोनों के बीच, क्योंकि निर्णय प्रधानमंत्री लेंगे और निर्णय प्रधानमंत्री का ही मान्य होगा। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, लेकिन संवैधानिक कर्तव्यों की बात आती है तो संविधान में ये व्यवस्थाएँ लिखी हुई हैं। कोई भी विधान बनाएंगे प्रधानमंत्री, दोनों सदनों द्वारा पारित कराने के बाद किसके पास भेजेंगे? राष्ट्रपति के पास। यदि राष्ट्रपति मंत्री के मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाएंगे तो प्रधानमंत्री से कहेंगे, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में निर्णय लेंगे कि नहीं लेंगे और वापस राष्ट्रपति को अवगत करा देंगे। अतः इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। जिस तरह से संघ में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है आर्टिकल 167 में, और मुख्यमंत्री भी अपने राज्य के विधान और प्रशासन विषय की जानकारी समय समय पर राज्यपाल को देते रहेंगे। और तीसरा, मंत्री द्वारा विचारित मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष राज्यपाल रखवा सकेंगे। तो ये आर्टिकल 78 है। आजकल एक सवाल युग्म के रूप में पूछ रहा है, कोई युग्म बना करके और सवाल पूछ रहा है कि भाई प्रधानमंत्री का उल्लेख कहाँ कहाँ हो रहा है। तो 74, 78, 75 क्लोज 1। देखिए, ये अभी अभी सवाल परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। 74 में क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी संघ की मंत्रिपरिषद, और संघ की मंत्रिपरिषद का चीफ कौन है? प्रधानमंत्री। 78 में आप पढ़ ही रहे हैं, प्रधानमंत्री का क्या है जो ड्यूटीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़, और पिछहत्तर एक में कौन है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अतः कौन कौन से आर्टिकल प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं, हाँ, और पेपर सेटर के दिमाग में जो भी आएगा वो बनाएगा, लेकिन हम जो जो मुख्य आर्टिकल हैं उन सबको विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे तो वो किसी भी प्रकार का सवाल बनाए वो हमारी अप्रोच से बाहर नहीं हो सकता। अतः मित्रों, पढ़ते रहिए, एक एक बिंदु को ढंग से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बारंबार समय नहीं आएगा और समय निकल जाने के बाद पछतावा होगा। इसलिए अपनी तैयारी को बहुत ही अपडेट रखिए और पूर्ण तरीके से और तैयारी कीजिए, तब जा कर के कहीं हमारा सिलेक्शन होगा। ये आप तय मान लीजिए कि आने वाला 2024 और अब 2023 में राजस्थान में चुनाव हैं, अतः जितनी भर्तियां हैं ये होनी है, और 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, अतः ये भर्ती वर्ष है। एक तरह से 8-9 महीने का समय आप किताबें उठा लीजिए, पढ़ लीजिए और नौकरी लग जाइए, क्योंकि फिर यहाँ नई सरकार आए या वहाँ रिपीट हो कि नई सरकार आए, वो कब भर्ती खोलेगा? तब तक जो एनर्जी आज है वो एनर्जी कल नहीं रहेगी, समय के अनुसार परिवर्तन आएगा। इसलिए समय की महत्ता को समझिए और जो सिलेबस पाठ्यक्रम आपकी परीक्षा का है उसको साथ लेके बैठिए, पुराने पेपर जो हैं उनको हल कीजिए, वर्तमान पैटर्न के जैसे पेपर चल रहे हैं उन पर विचार कीजिए कि सवाल किस तरीके से पूछ रहा है। समय के अनुसार बदलाव पेपर सेटर ला रहा है। जो सवाल कभी IAS में 2000 में आया करता था, वो सवाल अब एक तरह से वीडियो पटवारी इस तरह की परीक्षाओं में आने लग गया है। इसका मतलब जटिलताएं बढ़ेंगी। 2000 में इतना न तो लिटरेचर उपलब्ध था, न कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, ना कोई इतने प्राइवेट टीचर, इतने विद्वान टीचर हुआ करते थे, किताबें होती थी और उनसे पढ़ते थे। अब हर एक चीज़ ऑनलाइन ऑफलाइन, एक से एक धुरंधर टीचर आ रहे हैं, नई PD आ रही है, पढ़ रहे हैं, नौकरी भी लग रहे हैं, इस फील्ड में भी आ रहे हैं, अतः वो पढ़ने से ही होगा। तो धन्यवाद मित्रों, आप ऐसे ही देखते रहिए और